आज का शुभ संदेश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देखिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो स्वयं योगी है, स्वयं एक कर्मठ कार्यकर्ता है और स्वयं एक अच्छा जीवन जीते हैं, और उन्होंने जो है वो 10 वर्ष तक जो है मुख्यमंत्री गुजरात सरकार के, और लगभग पीछे के सात वर्षों के अंदर भारत के प्रधानमंत्री रहकर के उन्होंने ये सिद्ध कर दिया। उनके रोम रोम में जनता बसी हुई है, उनके रोम रोम और खून के एक एक कतरे के अंदर भारत का कल्याण करना, जनता को सुख पहुंचाना, जनता को अपनी संतान वत समझते हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य क्या किया, उन्हें 2015 में योगी पुरुष होने के कारण उन्होंने जो योग हमारे भारत की कृति है, और हजारों वर्ष से योग का जीवन करते करते हमारे ऋषि महर्षि जो है मुक्ति को गए। तो योग एक होलिस्टिक है, ये नर्सरी से लगा के पोस्ट डॉक्टरल है, ये सुखी जीवन जीने से चला के मुक्ति की पूरी प्रक्रिया इसके अंदर है। यह बात उन्होंने विश्व के सामने यूएनओ में रखी गई, यूएनओ को बहुत अपीलिंग लगी। योग से कोई रिएक्शन नहीं, योग में कोई खर्चा नहीं, और योग के अंदर कोई बाहरी साधनों की जरूरत नहीं है, मात्र अपने इस शरीर को, आपके जो शरीर को लेबोरेटरी बनाना है, कोई बाहरी लेबोरेटरी की जरूरत नहीं। तो इन सब बातों को, हमारी योग की फिलॉसफी को समझाया गया, अष्टांग योग को समझाया गया, तो पूरे विश्व के 210 कंट्रीज के जो लोग, बड़े बड़े जो राजनेता प्रभावित हुए, और 2015 के अंदर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मान्य हुआ, और लगातार ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभी हमने 21 जून को मनाया था। तो ये हमारे लिए विश्व गुरु होना है हम ऑलरेडी, लेकिन पुनः बन गए हैं उसका एक बहुत बड़ा ये प्रूफ है, और उसमें भाई नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी अहम भूमिका।